उसने देखी है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और काफ़ी टाइम से मैंने सोचा कि अपनी हिमालयन के अंदर जो उसकी हेडलाइट का बल्ब है उसको चेंज कर दिया जाए। तो बेंगलुरु की तरफ से मेरे पास आया एक एलईडी बल्ब नाइट आई का, बहुत ही मुझे तो लगता है कि काफ़ी बढ़िया होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था यार मेरी गाड़ी की जो रात के टाइम की रोशनी होती है ब्लैक हो जाती है। यूज़ करने के लिए ग्लव्स दे रखे हैं, इसकी मैनुअल दे रखी है और यहाँ पे दो का सेट है। और इसके पीछे की साइड से एक फ़ैन भी लगा है, तो इसको गाड़ी में यूज़ करेंगे। ये रही अपनी गाड़ी और सीधे इसके अंदर लगा के देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलो जल्दी से खोल लेते हैं अपनी गाड़ी का हेड। अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी कैसी लाइट जलती है इसकी। तो जो अभी इस टाइम करंट में रोशनी बढ़ रही है उसको आप चेक कर सकते हैं, एक पीले कलर की लाइट रहती है और पीले कलर की जो ब्राइटनेस उसकी जो रोशनी होती है वो उतनी मेरे को लगती नहीं कि उतनी पावरफुल रहेगी। तो एक बार इसको चेक करते हैं कि ये कैसी रहती है। तो सबसे पहले हमें ये कवर निकालना पड़ेगा क्योंकि नए वाले में ये कवर नहीं लग पाएगा। और इसके बाद यहाँ से सिंपल इसके क्लिप निकाल देने हैं। और ये रहा हमारा हैलोजन बल्ब और ये रहा हमारा एलईडी बल्ब। अब सिंपल इसको फिट कर लेते हैं। देखिए, और ये फिलहाल लग नहीं सकता क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह हो गई। ठीक है, तो फिलहाल एक बार देखते हैं इसको इसी तरीके से लगा के कि इसका फ़ैन काम करता है या नहीं काम करता और रोशनी कैसी है। अब ये देखिए सिंपल इसका सॉकेट है, आपको इसको इसके अंदर लगा देना है। और अब इसके बाद एक बार देखते हैं कि इसका फ़ैन ऑन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर एक साउंड सुनेंगे आप, अगर ध्यान से दिखेगा तो शायद। एक बार एलईडी इसके ऊपर लगाते हैं, एक लाइट लगाए फ़ोन की जिससे ये दिखे कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ैन चालू है इसका। एक बार मैं बंद करता हूँ तो देखिए ये भी बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। ये मतलब जो इसकी मशीन है या जो भी इसके अंदर कॉइल्स या छोटे छोटे जो पुर्जे लगे रहते हैं उसको ठंडा करने में काम करेगा। और जैसे चालू किया और फ़ैन चालू हो गया। मैं एक बार इसको फिट कर देता हूँ और देखते हैं कि इसकी रोशनी कैसी है, जो लाइट है लाइट कैसी है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी की लाइट जो है कितना दूर तक का जाती है। एक गाड़ी है, ज़रा इसको जाने दो। एक गाड़ी पीछे से भी आ गई, तुम भी चले आओ। और अब देखिए हमारी लाइट की रोशनी देखिए। और मेरी नहीं, मैं इसको अगर यूज़ करना है तो लो बीम काफ़ी बेटर रहेगी आपके लिए। देखिए बहुत ही काफ़ी दूर तक का रोशनी जा रही है। देखिए ये येलो लाइट जो हमारी ओरिजिनल लाइट होती है और ये हमारी वाइट रोशनी, कमाल हो गया, मस्त है यार। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद यही था कि जो हमारी गाड़ी आज के टाइम पे BS4 गाड़ियाँ हैं और उनके अंदर हैलोजन बल्ब लगा रहता है और वो बहुत ज़्यादा लाइट कंज्यूम करता है या पावर बहुत ज़्यादा खाता है जिसकी वजह से बैटरी के अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर आप इसको डालते तो सीधी बात है कि लाइट भी मतलब अच्छी रहेगी और मतलब जो पावर है पावर बहुत कम कंज्यूम करें। मेरी तरफ से थैंक यू फॉर बेंगलुरु कि आपने मुझे इतना अच्छा प्यारा सा बल्ब भेजा है। और अगर आप लोग भी इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आपको, मैं कह रहा हूँ ना, एक बार ट्राई करना चाहिए यार, मतलब पैसे वसूल चीज़ है। देखो खुद इंसान बंदा यूज़ करता है ना, तब वो सामने वाले से कहेगा कि यार मैंने यूज़ किया है, काम का है, तभी तो यूज़ करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।